90 के दशक की मोस्ट पॉपुलर और इंटेलिजेंट अभिनेत्री हैं करिश्मा कपूर, जिन्होंने बॉलीवुड में कई सुपर डुपर हिट मूवीज देकर कामयाबी पाई है और साथ ही इतनी दौलत शौहरत भी कमाई है कि आज उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप ब्यूटीफुल एक्ट्रेस करिश्मा कपूर की धन दौलत से तो वाकिफ, पर क्या आप इनकी बॉलीवुड की छोड़ने की कहानी जानते हैं कि क्यों इतना फेम नेम कमाने के बाद आज ये फिल्मी दुनिया से गायब है? आखिरकार क्यों आज बड़े पर्दे पर आज इनका नामो निशान नहीं है? शायद नहीं। तो आइए आपको करिश्मा कपूर की पूरी एक्टिंग जर्नी से लेकर दौलत शौहरत और फिर अभिनय करियर छोड़ने की कहानी दिखाते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपनी खूबसूरत कजरारी आंखों के लिए मशहूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और वहीं से इनकी सारी पढ़ाई भी कंप्लीट हुई थी। बात करें इनके अभिनय करियर की, तो इन्होंने महज 17 साल की उम्र में साल 1991 में आई फिल्म प्रेम कैदी से पहली बार एक्टिंग की दुनिया में हाथ आजमाया था, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही, जिसके बाद इन्हें जागृति, अपने साजन के और जिगर जैसी कई बड़ी फिल्में ऑफर हुई। लेकिन सफलता की चरम सीमा पर इन्हें लोकप्रिय फिल्म अनाड़ी लेकर गई थी, जिसमें ये राजनंदिनी की शानदार भूमिका में घर घर छा गई थी। फिर इसके बाद तो इनकी मेहनत किस कदर रंग लाई कि इन्हें और बड़ी बड़ी फिल्में ऑफर होने लगी थी। इस तरह देखते ही देखते ये बड़े पर्दे की बड़ी सुपरस्टार बन गई, जिन्होंने साल 1991 से लेकर 2018 तक फिल्मी दुनिया पर तो राज किया ही था, साथ ही नचबलिए 4 और डांस इंडिया डांस 7 जैसे कई रियलिटी शोज भी किए थे, जिसके जरिए इन्होंने 87 करोड़ रुपए की नेटवर्थ कमाई, जिससे इन्होंने 15 करोड़ रुपए का एक शानदार घर बनवाया जिसमें इनका एक विशाल श्रृंगार कक्ष भी बना है, साथ ही खुली बालकनी भी है। इसके अलावा इनके घर में 5 शानदार रूम्स हैं और 5ों में टेबल, अलमारी और पलंग अलग अलग अरेंज किए गए हैं। साथ ही इतना ही नहीं, इनके घर के अंदर का भाग मटमैला और भूरे रंग से डिजाइन किया गया है, जो घर के क्लासीनेस को बढ़ाता है। और हाँ, इनका घर सभी शानदार और तकनीकी रूप से उन्नत गैजेट से भरा पड़ा है। साथ ही इनके घर में फ्रेंच खिड़कियां, लकड़ी और ब्लाइंड और लकड़ी के फर्श पैनल भी हैं। घर के अलावा इनके पास महंगे कार कलेक्शन भी हैं, जिसमें इनकी फेवरेट कार रेंज रोवर और BMW हैं। घर बंगला गाड़ी के अलावा ये काफी लग्जरी लाइफस्टाइल भी जीती हैं, जो अपने फैंसी गाउन, जींस टॉप, स्कर्ट के साथ साथ हाई हील्स के सैंडल्स, परफ्यूम, मेकअप आदि पर तकरीबन 1 लाख रुपए खर्चा करती हैं। इसके अलावा 50,000 रुपए इनके घूमने फिरने, एक मौज मस्ती करने में खर्च हो जाते हैं। लेकिन अगर बात करें बॉलीवुड में इनकी एक्टिंग छोड़ने की कहानी की, तो इसके पीछे 2 मेन रीजन है। पहला, जब ये बॉलीवुड में कायम थे तो इनके बाद आई एक से बढ़कर एक एक्ट्रेसेस की एंट्री से इन्हें फिल्में मिलनी बंद हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ, जब इन्होंने साल 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की, तो ये तरह तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज में घिरी, जहां पर इनके पति ने इन पर आरोप लगाया कि ये लालची और इन्होंने पैसे के लिए मुझसे शादी की है, जिसके बाद इनसे फिल्में छीनी जाने लगी। अगर फिल्म मिलती भी तो भी उस पर छोटे रोल दिए जाते थे। फिर इन्होंने खुद ही इन सब चीजों से ऊब कर एक्टिंग को विराम देना ही सही समझा था। वेल दोस्तों, क्या आप करिश्मा जी को स्क्रीन पर दोबारा देखने की इच्छा रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे जबरदस्त वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।